गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश, और आज मैं आपको जूलॉजी पढ़ाऊंगा, जिसमें आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर कॉर्डेटा पढ़ेंगे। कॉर्डेटा हम किसे कहते हैं? अच्छा, कॉर्डेटा का मीनिंग क्या है बताइए। कॉर्डेटा का मीनिंग है यानी जिसमें हमारी नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड दोनों पाई जाती हूँ, उसे हम कॉर्डेटा में रखते हैं। यानी नोटोकॉर्ड का मतलब है रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम हिंदी में रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें यूनिट फर्स्ट में हमारे सबफाइलम हेमीकॉर्डेटा है। कॉर्डेटा के अंदर सबफाइलम हेमीकॉर्डेटा है, तो हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेमीकॉर्डेटा में हमें बेलोनोग्लॉसस या टंग वर्म ये पढ़ना है। तो हेमीकॉर्डेटा क्या है, आइए देखते हैं। हेमीकॉर्डेटा दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें हेमी का मतलब है हाफ और कॉर्डी का मतलब है कॉर्ड। ठीक है, जिसका हिंदी में अर्थ है आधी रस्सी, जिसका हिंदी में अर्थ है आधी रस्सी। अब हम इसके क्लासिफिकेशन पर आते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन क्या हम कैसे करेंगे, क्योंकि हर एनिमल का क्लासिफिकेशन होता है, इसको हम जिसके क्लासिफिकेशन के आधार पर हम उसको डिवाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है। फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम हेमीकॉर्डेटा, जिसमें फाइलम का मतलब मैंने बताया था कि इसमें नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड दोनों पाई जाती हैं। सब फाइलम हेमीकॉर्डेटा, जिसमें मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि इसमें जो नोटोकॉर्ड होगी वो हाफ कॉर्ड के फॉर्म में होगी। क्लास एंटीरोपिनिस्टा, ठीक है, जीनस बेलोनोग्लॉसस, स्पीसीज है इसकी क्लेवी जेरस। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ नेम, तो इसका नाम कैसे पड़ा हम आइए अब इसके बारे में देखते हैं। तो बेलोनोग्लॉसस क्लेविजेरस नाम डेले चियाजे ने 1829 में दिया था, और यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। तो बेलोनोग्लॉसस एंड ग्लॉसस, ठीक है, वो दो ग्रीक वर्ड कौन से है, बेलोनोस एंड ग्लॉसस, जिसमें बेलोनोस का मतलब अर्थ एक्रोन या फ्रूट ऑफ ओक है, जिसे एक्रोन वर्म भी कह सकते हैं। ग्लॉसस का अर्थ है अर्थ टंग है, इसलिए टंग का मतलब यहाँ पे जीभ से है या जीभ की तरह भी दिखता है, इसलिए हम इसको एक्रोन वर्म न कहकर टंग वर्म के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे इसके हैबिट एंड हैबिटाट पर। यह प्रायः सभी जगह के समुद्रों में पाए जाने वाला प्राणी या एनिमल है। यह उथले समुद्र में पाए जाने वाली रेत, उथले समुद्र यानी उथले समुद्र का मतलब है जो हमारा सी है, ठीक है, उसका जो बेस का किनारा जो दिखता है उसको हम उथला समुद्र कहते हैं। पाए जाने वाली रेत से यूके आकार की नाली नुमा सुरंग बनाकर रहता है। बेलोनोग्लॉसस क्लेविजेरस के बिल की प्रत्येक भुजा की लंबाई लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर होती है, और प्रत्येक भुजा की आंतरिक सतह रेत के कणों यानी सैंड पार्टिकल्स तथा स्रावित स्लेस म्यूकस, जो म्यूकस ग्लैंड में स्रावित होता है, सिक्रीट होता है, से अटैच्ड होती हैं। प्रोबोसिस यानी हिंदी में से सुंड कहते हैं, तथा कॉलर भाग पार्ट मिट्टी में सॉइल में धंसने में सहायता करते हैं। सबसे पहले कॉनिकल प्रोबोसिस का अगला पार्ट जो नुकीला होता है, जो रेत में यानी सैंड में धंसता है, और उसके बाद मस्कुलर कंस्ट्रक्शन की वेव बॉडी से होती हुई प्रोबोसिस तक पहुंच जाती है।
जो उसकी बॉडी जो है उसमें मस्कुलर कंस्ट्रक्शन होता है, जो उसकी वेव बॉडी से होती प्रोबोसिस तक पहुंचती है, इसकी वजह से यह धीरे धीरे रेंग कर आगे बढ़ता है। यानी ये रेत में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, एक साथ आगे नहीं बढ़ता है। इसकी वजह से वाटर कलेक्ट होने पर प्रोबोसिस तथा कॉलर फूल कर कठोर हो जाते हैं और गहराई में धंसने में सहायता करते हैं। इसकी लाइफ साइकिल में हॉर्नेरिया लार्वल स्टेज पाई जाती है। इसको सामान्यतः हम एक्रोन वर्म अथवा टंग वर्म कहते हैं। इसका जो डायग्राम है वो आपके नेक्स्ट पेज पर है, आप इसका डायग्राम देख रहे होंगे। ये यूट्यूब शेप में है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, ये सैंड पार्टिकल्स हैं, ये हमारा सी वाटर है, और जो इसका फीकल मैटर है वो क्वाइल्ड फॉर्म में निकलता है, ठीक है। किस फॉर्म में निकलेगा? क्वाइल्ड फॉर्म में निकलेगा। तो इसके जो एंट्री है वो फनल शेप्ड ओपनिंग ऑफ एंटीरियर लिम, यानी इसका जो पार्ट है वो फनल शेप पार्ट में होता है, ठीक है। और एक साइड ब्रांच ओपनिंग होती है, और बाकी ये सैंड पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पर ये हमारे हॉरिजॉन्टल लिम्ब ऑफ बरो, यानी जो इसकी नली जो होती है उसको हॉरिजॉन्टल लिम्ब है ये वाला, ठीक है। हम इधर देखते हैं, ये जो इसके अंदर ट्यूब के अंदर यू शेप जो बरो है, नाली जो है उसमें बैलोनोग्लॉसस अंदर है, ठीक है। अब इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये तो हमारा एंटीरियर पार्ट हो गया था, तो जो एंटीरियर पार्ट है तो पोस्टीरियर पार्ट भी होगा। जो पोस्टीरियर पार्ट है वो पोस्टीरियर वर्टिकल लिम्ब ऑफ बरो, यानी नाली का पोस्टीरियर वर्टिकल लिम्ब, ठीक है। और जिसको फीकल मैटर, यानी जो उसने खाया, जो वेस्टेज मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो क्वाइल्ड फॉर्म में हमारा फीकल मैटर बाहर निकलता है। किस फॉर्म में निकलता है? क्वाइल्ड फॉर्म में। तो ये इसका डायग्राम था, किसका? यू शेप बरो का। तो बैलोनोग्लॉसस क्लैविजरस इन यू शेप बरो, ठीक है। आइए हम आगे बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। किसकी? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मतलब बाह्य आकार की, यानी इसका बाहर के आकार कैसा होगा, तो उसको हम इंग्लिश में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं और हिंदी में बाह्य आकार की कहते हैं, बाह्य आकार की, ठीक है। इसकी बॉडी, तो इसमें कई सारे पार्ट होते हैं, तो ये हमारा शेप वाला पार्ट है। इसकी बॉडी लंबी, इलोंगेटेड, सॉफ्ट, कोमल, क्लासिफाइड, वर्गीकृत तथा सिलेंडर शेप, बेलनाकार, यानी सिलेंडर शेप का मतलब बेलनाकार होती है। सिलेंडर शेप या बेलनाकार होती है। अगला पार्ट है हमारा इसमें साइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बॉडी 2 से 3 सेंटीमीटर से 3 फीट तक लंबी होती है। अगला पार्ट है इसका कॉलर, तो कॉलर का जो पार्ट है वो कलर, ठीक है, रंग, हिंदी में हम इसे कहते हैं रंग। इसका रंग रेड, लाल या ऑरेंज कलर का स्पॉटेड या नारंगी कलर का चित्तीदार होता है। इसकी बॉडी चमकीली यानी ब्राइटेड होती है। इसकी कुछ स्पीसीज फॉस्फोरिसेंट, कुछ जातियां स्फूर्ति होती हैं जो इसको आगे बढ़ाती हैं, स्फूर्ति होती हैं। अब अगला पार्ट है इसका डिवीजन ऑफ बॉडी, यानी इसकी बॉडी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बांटेंगे।
डिवीजन का मतलब है बांटना, यानी बॉडी का मतलब थोड़ी इसके शरीर को हम कितने भाग में बांटते हैं। तो इसकी बॉडी को हम थ्री पार्ट्स, तीन भागों में डिवाइड करते हैं, जो कि निम्न है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट हैं? प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, ये पार्ट हैं जो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हमारा पहला पार्ट है प्रोबोसिस, यानी इसको हिंदी में हम सुंड कहते हैं। यह है बॉडी का एंटीरियर कॉनिकल थिक मस्कुलर पार्ट है। इसके मिड डॉर्सल सरफेस के बेस पर एक प्रोबोसिस पोर यानी सुंड रंध्र होता है। इसी पोर द्वारा इसकी प्रोबोसिस सीलोम यानी सुंड प्रगुहा, जिसे हम हिंदी में सुंड प्रगुहा कहते हैं, प्रोबोसिस स्टॉक सुंड ग्रंथ द्वारा कॉलर के एंटीरियर पार्ट से पार्ट में जुड़ा रहता है। किस में जुड़ा रहता है? कॉलर के एंटीरियर पार्ट में। किसके द्वारा? प्रोबोसिस सीलोम और प्रोबोसिस स्टॉक के द्वारा। ओके, तो प्रोबोसिस सीलोम क्या है, आइए देखते हैं। इसे प्रोटोसीलोम या अग्रगुहा भी कहते हैं। यह मस्कुलेचर, जिसे हम हिंदी में पेशी न्यास के कारण अत्यंत छोटी हो जाती, काफी छोटी हो जाती है। इसमें कुछ संरचनाएं जैसे बकल डाइवर्टिकुलम, सेंट्रल साइनस, ग्लोमेरुलस बड़ी हुई पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसे प्रोबोसिस सीलोम को का वर्क बढ़ जाता है। अगला पार्ट है हमारा कॉलर। अगला पार्ट क्या है? कॉलर। यह प्रोबोसिस के पीछे स्थित मस्कुलर पेशीय बेलनाकार भाग है। इसका एंटीरियर पार्ट कॉलरेट होता है, जो प्रोबोसिस स्टॉक को ढके रहता है। कॉलरेट के वेंट्रल सरफेस पर एक पोर होता है, जिसे माउथ कहते हैं। इसकी ओपनिंग कॉलर में प्रेजेंट कॉलर सीलोम में होती है। कॉलर की दो कॉलर कैविटीज होती हैं, जो डॉर्सल मेसेंट्रीज के द्वारा एक दूसरे से अलग रहती हैं। प्रोबोसिस सीलोम और कॉलर कैविटीज दोनों में ही स्टैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। कॉलर कैविटीज बाहर की तरफ वन पेयर कॉलर पोर के द्वारा ओपन होती हैं। अगला है हमारा कॉलर सीलोम, यानी कॉलर के जो कॉलर सीलोम है वो क्या है, आइए देखते हैं। इसे मीजो सील भी कहते हैं, जो टू पेयर कैविटीज के द्वारा निरूपित होती है या बटी हुई होती है। तो आज हम इसको इतना ही रखेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, और कल हम इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।